रात को ये बड़ा स्टार बन जाता है। किसी एंगल से लग नहीं रही अंकल, ये आज तक लग रही है। ये पीछे तो किसी को बैठने की मंजूरी नहीं है कि नहीं बजा। चारे नी गिन गिन के दिल तोड़ती जो टुटदे तारे नी रेहानी होने ऐतबार सोहनी रेहानी होने ऐतबार ऐदा नी चलते प्यार सोहनी सो दोस्तों वो कार है ये, और ये भी हमारे जगदीप अंकल की है। तो दोबारा इसके बारे में भी अपन अंकल से ही पूछते हैं। सो हेलो अंकल, अगेन आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। सो अंकल, जैसे सबसे पहले ये बताओ मॉडल कौन सा अंकल ये? ये मॉडल है 350 ई क्लास 2017 350 ई क्लास ई क्लास। ये क्या कि ये स्पेशली गाड़ियां वहां से बन के आई थी जर्मन से, उनमें से एक ये गाड़ी है। मतलब ये वहां की मैन्युफैक्चरिंग है, वहां से मैन्युफैक्चरिंग है। नहीं काफ़ी है। जैसे इसकी जो आप लाइट देख रहे हो ना, मतलब दिन में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, और जो काफ़ी ब्लैक में इसका देख लीजिए एक बार, मैं कितना अच्छा लुक निकल के आ रहा है। और जैसे अंकल मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये जिसमें आपने जो अलॉय हैं ये इसके पेंटेड करवा रखे हैं ना? पेंटेड करवाए, ये स्पेशली पेंटेड करवाए हैं लुधियाना से। नहीं जो इससे लुक एनहांस काफी हो रहा है, क्योंकि जो ब्लैक कार का लुक आता है ना रोड पे, वो काफी अलग निकल के आता है। और ये 6 सिलेंडर है, 7 गियर है, 7 स्पीड कार है, 7 स्पीड है। और जैसे आप मुझे बता रहे थे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, तो उसका क्या रीजन था? मतलब क्या उन्होंने अब इसकी कोई जो नई गाड़ियां आ रही हैं वो 1 फुट छोटी कर दी। 1 फुट छोटी कर दी, हां। ये 1 फुट लंबी है और ये 6 सिलेंडर है। अब मेरा ख्याल ये 4 सिलेंडर गाड़ियां देनी शुरू कर दी, ये 6 सिलेंडर नहीं दे रही। अब 6 सिलेंडर नहीं आ रही, नहीं आ रही। तो मतलब ये भी यूनिक ही है काफी। और इसके ऊपर इसके अंदर फीचर इसलिए है, तो जैसे आप इसके एक बार इंटीरियर की तरफ आते हैं। सो दोस्तों इंटीरियर में अपन एंटर कर गए, तो इंटीरियर आज भी देख लीजिए अंकल, 2017 है ना? 2017 और आज तक ये लग रही है। हाँ बिल्कुल, गाड़ी संभालने में हम मास्टर हैं, क्यों हम ट्रांसपोर्टर हैं, हमारे को गाड़ी से प्रेम है। नहीं काफी मेंटेन, किसी एंगल से लग नहीं रही अंकल, ये आज तक लग रही है। हाँ। 2017 मॉडल 5 साल हो गए और ये चली है अभी तक 36,000 किलोमीटर 36,000 के समथिंग ही चली इसे। इतना कम ऐसा क्यों इसको? इसको प्रेम है कि बस इसको एक दो बार। हाँ मतलब नॉर्मल कोई शादी वादी वगैरह, पंजाब में जाना है, पंजाब लेके जा रहे हैं, नहीं बस। और वो आप उसको तो आपने कहाँ तीरथ करा दिया पूरा। इसको क्या है कि जैसे एक बार मैं कलकत्ता लेके गया हूँ इसको, बस इस कार को। हाँ बस एक बार कलकत्ता गई, या बाकी आम तो पंजाब या दिल्ली इधर को जाना। तो ये अगर डीजल में है, ये डीजल में। तो जैसे एक मेरा क्वेश्चन रहेगा, एवरेज क्या दे देती है? लगभग एवरेज देती है तकरीबन मेरे से तो 9 की एवरेज देती है ये। मतलब आपका तेज मेरा भारीपन है, इसको कम से कम भी इसको दबाता ज्यादा हूँ। अच्छा, और ये इसके बटन लगे हुए हैं। ये मतलब किस चीज का ही है? ये नॉर्मल स्पीड पे है। अच्छा, इको मोड और स्पोर्ट्स मोड, जब एकदम इसको बूस्ट करना तो ये स्पोर्ट्स मोड। हाँ स्पोर्ट्स मोड आ गया। सो दोस्तों जैसे इंटीरियर देख लो, ये आपको जो पियानो फिनिश मिल जाती है, ये फ्रंट में एयरबैग, और जो एसी विंड्स देख रहे हो ना, मतलब ये मर्सिडीज अंकल आ गए, तो लग्जरी और किस चीज का सवाल है ही नहीं। पर इसको संभालना जरूरी है ऐसी चीज को। क्यों ऐसा क्या इसमें होता? नहीं जान की ये महंगी चीज है। हाँ मेंटेनेंस महंगा है। ये देख लीजिए दोस्तों, मतलब ये काफी, मतलब ये प्राउड फील होता है ये चीज देख के, मतलब ये घड़ी अपन को यही मिल रही है। रोज दो बार साफ होती है दिन में ये कार। हाँ बिल्कुल, ब्लैक गाड़ी दो बार साफ होगी सुबह, अब जान की सुबह उसकी होगी साफ कर दिया, अब शाम को फार्म पे वो धोई जाएगी एंड वर, और फिर उसको साफ होगी। तो दोबारा होती है? हाँ। तो ऐसा ये क्या सिस्टम, दो दोबारा? बस ये शौक है कि गाड़ी सही रहनी चाहिए। नहीं नहीं, नहीं इतना बहुत ज्यादा प्यार है अंकल, बहुत ज्यादा। ये गाड़ी भी सुबह शाम दोनों टाइम साफ। नहीं इसका तो होना ही जरूरी है, क्योंकि ब्लैक में, और जैसा आप देख रहे हो इसमें कितनी अच्छी ब्रांड के स्पीकर्स मिल जाते हैं, हरमन गार्डियन के तो इसमें स्पीकर्स हैं। और जैसे ये कंट्रोल्स वगैरह देख लो, स्टेयरिंग में सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको। और ये देख लीजिए स्पीडोमीटर कुछ इसका इस तरह का आता है। मर्सिडीज है तो लग्जरी का तो कोई सवाल ही नहीं है कि इसमें लग्जरी नहीं होगी। ये स्पेशल है मर्सिडीज में गाड़ी। हाँ वो जैसे आपने बताया ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग होना बंद हो गई, तो जैसे देख लो अंकल ने इसको की में एक कवर लगा रखा है,
मतलब देख लीजिए काफी की तकात को भी संभाल के रख रखी है, इसको ऐसा है कि जान से प्यारी रखेंगे। नहीं ये चीज है, ये जालियां जुड़ियां सारा कुछ ये नहीं है। देख लीजिए एक बार, जैसे अंकल ये सनरूफ है या मूनरूफ? जैसे ये सनरूफ है ये, जैसे एक बार इसको करके देखो, ये देख लीजिए दोस्तों दो दो है, मतलब रात को निकलना और काफी अलग सीन लगता है इसका। तो एक बार जैसे इसके मुश्किल ही कोई बैठा होगा पीछे, क्यों नहीं जरूरत ही नहीं पड़ती, किसी को बैठाते ही नहीं है। आपको बैक साइड की तरफ दिखा देते हैं। सो दोस्तों देख लीजिए बैक साइड में अपन को कुछ इस तरह का मिल जाता है। सो अंकल जैसे मैं ये पूछना चाहूँ, ये मतलब किस चीज में वर्क करते हैं अपने, जैसे आपके एंडेवर में भी है तो ये इसमें जैसे अपना पेन ड्राइव या फोन कनेक्ट कर लिया तो इसमें डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, सबको डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। अच्छा इस चीज के लिए, जैसे कहीं लंबे सफर में जाएं तो सफर में जाना तो कोई मूवी लगानी है तो भाई उससे अपने फोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लीजिए। मतलब अंकल आपने ये बात सच कही, पीछे कोई बैठा ही नहीं ना? सीट आज तक ऐसी लग रही नहीं, सच में ये चीज गारंटेड है, कोई नहीं कह सकता इसको 2017 मॉडल है, क्योंकि जो ये देख रहे हो व्हाइट व्हाइट फिल्म, ये मतलब 6 महीने तक हाथ में गंदी हो जाती है। पीछे तो किसी को बैठने की मंजूरी नहीं है कि नहीं भैया? नहीं नहीं ये चीज है, दो जहां बैठेंगे तो दोनों जने आगे बैठेंगे। तो आपने मतलब बाइक वाला कर दिया इसको सीन। और जैसे इसका टेल गेट देख लीजिए, काफी बहुत बड़ा स्पेस है इसमें तो। ये देखो अब इसके इसका कम सामान रखा हुआ है। और देख लीजिए अभी तो मेरे ख्याल से आपने यूज ही नहीं करा होगा उसको। सो दोस्तों ये देख लीजिए, आज तक ये यूज ही नहीं हुई ना, आज तक ही नहीं हुई ना। देख लीजिए दोस्तों आप ये देख लीजिए, ये जो छोटे छोटे है ना ये चीजें हट जाती हैं अगर ये यूज हो जाती है, तो आज तक ये यूज भी नहीं हुई देख लीजिए। सो दोस्तों देख लीजिए ऑटोमेटिक ये क्लोज भी हो गया, और जैसा कि अंकल ये आपने जो इसमें सिरेमिक कोटिंग करवा रखी है, जब भी देख रहा हूँ काफी शाइन मार रही है, और मतलब काफी साल हो गए मेरे ख्याल से ये सिरेमिक कोटिंग को। जब आई थी उस टाइम करवाई थी 2017 में, 2017 में उसके 2 महीने बाद करवा दी थी। नहीं पर अंकल आज भी ऐसी लग रही है कि 2022 मॉडल है, और मैं मेरा एक है कि जो अब जो नई मर्सिडीज आ रही है ना वो मेरे को पर्सनली मेरे को भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि जो उनकी लाइट्स आप देख रहे हो काफी छोटी छोटी कर दी, और मतलब अलग सा ही लुक कर दिया उनका। नहीं ये इसीलिए लिया था कि ये स्पेशल मॉडल था ये। अच्छा इसलिए आपने लिया था, तो उस टाइम जैसे कितने की पड़ गई थी ये? उस टाइम मेरे को नहीं पता। अच्छा ये भी है। नहीं नहीं काफी नोएडा से ली थी। अच्छा दिल्ली देख लीजिए, और ये बीच में उनको मर्सिडीज का मिल जाता है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया ब्लैक है, तो ये वही कंपनी वाले टायर चल रहे हैं अभी तक। बाकी इसके जब ये इसको खोलते हैं तो आपको इसके नीचे लाइट का स्टार आता है। हाँ ये जैसे ये आपको नीचे मिल जाता है ये रहा, ये देख लीजिए रात को ये बड़ा स्टार बन जाता है। नहीं ये चीज मतलब शौक चीज है ये। नहीं और मेन वो दिखी गई ना वो पन्नी आज तक नहीं हटी, 2017 मॉडल है। और ये देख लीजिए एडिशन ई है, तो एक बार अगेन इसका वॉक राउंड देख लो, नंबर भी काफी यूनिक है। इसे देख लीजिए यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है, और ये देख लीजिए पूरा क्रोम मर्सिडीज बैंड इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम मिल जाता है, देख लीजिए LED इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम, ये देख लीजिए LED में। और एक बार इसका पूरा वॉक राउंड देख लीजिए आप, मतलब ये चीज आपने अंकल सही बता दी, लंबाई में कुछ ज्यादा ही और कारों से। तो जैसे किस तरह से किस जगह से मानी जाती है, आगे से और जैसे पीछे से? सारी लेंथ इसकी मानी जाती है। अच्छा अच्छा यानी कि नहीं तो अगर बीच में से वो, हाँ मेरे को तो बीच में से लग रहा है कुछ। हाँ। ये देख काफी मतलब डोर देख लीजिए इसका काफी बड़ा है। हाँ। वीडियो में आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, काफी बड़ा है इसका डोर भी, और मतलब ब्लैक के साथ जो ये क्रोम फिनिश जो मिल जाती है ना गाड़ी का लुक ही उसमें काफी एनहांस हो जाता है। सो दोस्तों आई होप क्या आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की वीडियो में बस इतना ही, तो वीडियो एंड करते हैं यहीं पे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो प्लीज़ जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना।